पितृपक्ष का आज समापन है। अंतिम दिन अमावस्या पर पितरों को तर्पण देने के लिए संगम में लोगों की भीड़ जुटी है। विधि विधान से संगम तट पर पूजन अर्चन के साथ लोग अपने सिर के बाल को मुंडवा रहे हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन जल में पितरों के नाम पर डुबकी लगाकर उन्हें जल अर्पित कर रहे हैं। आज पितृपक्ष की अमावस्या पर प्रयागराज के संगम घाट पर सुबह से ही भीड़भाड़ है। श्राद्ध, मुंडन, पूजन का क्रम जारी है जो शाम तक चलेगा। ब्राह्मण मंत्रोच्चार के साथ पितरों का विधिवत पूजन करा रहे हैं। पितृपक्ष 2022 की शुरुआत 10 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ हुआ था। 15 दिनों तक प्रयागराज के संगम तट पर पितरों को नमन और तर्पण करने के लिए न केवल प्रयागराज व आसपास के जिलों से लोगों की लगातार आवाजाही थी, बल्कि देश के कोने कोने से भी लोग यहां आकर पिंडदान और श्राद्ध कर रहे थे। आज अंतिम दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक जारी है। प्रयागराज संगम पर नवमी तिथि को भी काफी भीड़ जुटी थी। नवमी पर मातृ पक्ष की महिलाओं के पिंडदान के लिए भीड़ जुटी थी। लोगों ने सिर मुंडवाया, संगम स्नान किया और मातृ पक्ष की पूर्वजों को नमन करते हुए श्राद्ध किया था। पितृपक्ष को लेकर प्राचीन मान्यता है कि बिहार के गया में जो महत्व पिंडदान का है, वहीं प्रयागराज में सिर मुंडवाने का भी लाभ मिलता है, यानी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष पर प्रयागराज के संगम तट पर पितरों का श्राद्ध करने के बाद लोग बिहार के गया जाकर पितरों का श्राद्ध करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में पिंडदान करने से जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिलती है, पूर्वजों को स्वर्ग मिलता है। आज हम लोग यहाँ पिंडदान करते हैं पुरखों का। आज पुरखों को यहाँ पिंडदान करने में मोक्ष प्राप्त होता है, इसीलिए प्रयागराज त्रिवेणी में आए हैं। यहाँ का पिंड देने से पुत्रों को स्वर्ग मिलता है और जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिलती है। मैं अरुण कुमार द्विवेदी। क्या करा रहे हो यहाँ? आज यहाँ पे अमावस्या तिथि है, पितृ विसर्जन का आखिरी दिवस है पितृ पक्ष का। तो आज के दिन पूरे उसमें भारत में जितने भी समस्त पिंडदान करने वाले लोग रहेंगे, उनका आखिरी कर्म आज है। आज पितृ विसर्जन का आखिरी दिन है और कल से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। कल से आपके लग जाएंगे नवरात्र।